आपके लिए कि आज हम डिस्कस करेंगे बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। उसी से कुछ क्वेश्चंस आपके कल वाले भी सॉल्व होंगे। वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको मालूम है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू नो दैट। Velocity is a vector quantity. तो relative velocity भी क्या होगी? Vector must be vector. आज कुछ concept को और clear करते हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूं relative velocity को इस तरह से, इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी अगर आप इस तरफ जा रहे हो उसको आप पॉजिटिव लेते हो, अगर आप इस तरफ आ रहे हो उसको आप नेगेटिव लेते हो। डायरेक्शन के हिसाब से मान लो किसी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड राइट साइड में, तो आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी इज प्लस 20, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। लेकिन लेफ्ट साइड में आप उसी वेलोसिटी को क्या लिखोगे? माइनस 20। उसी वेलोसिटी को क्या लिखोगे बेटा? माइनस का सर ब्लर आ गया क्या बेटा? स्क्रीन ब्लर, जूम कर देता हूं। सही है सर, ब्लर आ रहा है क्या? नो सर, सही आ रहा है बेटा। नो सर, क्लियर नहीं आ रहा बेटा, सही आ रहा है, सही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं, शायद उससे कुछ कर दो। velocity of A minus velocity of B. For example, मान लो एक बॉडी है वो इस तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड, एक बॉडी है जो लेफ्ट साइड में आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। बॉडी A है, ये बॉडी है B। अब मुझे लिखना है बी ए माइनस बी बी, बी ए बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ए, वेक्टर का निशान जरूर लगाना आपने, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। फॉर्मूला यही रहेगा जो मैंने ऊपर बताया ना आपको फॉर्मूला। रिलेटिव वेलोसिटी में प्लस का साइन अपने आप आ जाएगा जब आना होगा, आपको नहीं लगाना। आपके लिए फॉर्मूला ये रहेगा जिसको मैं बॉक्स में लिख रहा हूं। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा पी ए बी, पी ए माइनस बी बी रहेगा। अब देखिए प्लस कब आएगा? अपने आप प्लस हो जाएगा। राइट साइड की वेलोसिटी को मैं क्या लिखूंगा? प्लस 20। और लेफ्ट साइड में अगर कोई बॉडी आ रही है तो उसकी वेलोसिटी को मैं क्या लिखूंगा? माइनस 10। माइनस 10 इस फॉर्मूले में पुट करके देखो तो आपके पास अपने आप बी ए बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस 20 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 20 माइनस ऑफ माइनस 10 आंसर इज प्लस 30। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी फिर? क्योंकि प्लस आ रहा है तो डायरेक्शन राइट साइड में होगी। प्लस का मतलब है राइट साइड और माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड। माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड। एक बार आप इसका बताना मेरे, अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी, सर एक बार वो फिर से दिखाना। दिखाता हूँ मैं,
ये सब देख लिया? ओके सर, यस सर। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी राइट साइड में 50 है और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी भी राइट साइड में 30 है, लेट द बॉडी इज ए, बॉडी इज बी। आपसे पूछा गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखते हैं ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, वी ए माइनस बी बी। अगर मैं आपसे पूछता रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो फॉर्मूले में पहले बी आएगा फिर ए आएगा, ध्यान रखना। अगर मैं b का विद रिस्पेक्ट टू a करूंगा तो पहले b आएगा फिर a आएगा। अब मैं दोनों ही निकाल रहा हूं इस क्वेश्चन में। आपको ea कितना गिवन है, देखो आपको va गिवन है राइट साइड में है ना, क्या लोगे प्लस 50 और vb भी राइट साइड में है क्या लोगे प्लस 30। यहां पर पुट कर दो 50, फॉर्मूले में माइनस है ये प्लस का है, तो 50 माइनस 30 आंसर कितना आ गया 20। अब नीचे वाले में पुट करो, ये आएगा 30 माइनस 50 आंसर कितना आ गया माइनस 20। इसका ये मतलब हुआ ए से बी की रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव में आएगी B से A की रिलेटिव वेलोसिटी। इतना कंसेप्ट नोट करो पहले, धीरे धीरे हम इसको और इलैबोरेट करते जाएंगे, पूरा पेज आपके सामने। सर ये बात समझ नहीं आई, एक बार दोबारा समझा दो। कौन से वाली बात बता सर, ये कि v a b की जो इक्वल्स टू माइनस v b a, a b और b a दोनों उल्टा कैसे हो? देखिए जब कभी भी आप a से ऑब्जर्व करते हो किसी b की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर कौन है a, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया a, तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, क्योंकि now A is observer, जो observer होगा उसके with respect निकालते। अगर B observer होता तो मैं क्या लिखता, velocity of A with respect to B, दोनों एक दूसरे का reverse होंगे क्योंकि B B A formula के हिसाब से जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे वी बी माइनस बी ए और वी ए बी को क्या लिखेंगे बी ए माइनस बी बी, बी ए माइनस बी बी, इसको हम क्या लिखेंगे वी ए माइनस बी बी। किसी को इसमें पूछ रहे तो डेफिनेशन है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बी ए माइनस बी बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बी बी माइनस बी। अब डायरेक्शन के हिसाब से आपने साइन देना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो आप बताना। आप ये एक बॉडी है वो राइट साइड में जा रही है 100 meter per second, ये एक बॉडी है वो लेफ्ट साइड में आ रही है 50 meter per second। पहले तो आप ये बताओ कि वी ए की वैल्यू प्लस 100 लो या माइनस, प्लस 100 प्लस 100 और वी बी की वैल्यू प्लस 50 या माइनस 50। अब मान लो ऑब्जर्वर बी है या वो आपको कहेगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा क्वेश्चन में कहा जाएगा, तो आप लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। ए कितना 100 माइनस ऑफ माइनस 50, 100 प्लस 50 मिलके कितना हो जाएगा
150। क्या किसी को अब कोई डाउट है इसमें पूरे में जो मैंने बताया? नो सर, अगर वी ए बी माइनस का है तो माइनस वी ए बी वो प्लस में हो जाएगा। क्या कह रहे बेटा, माइनस माइनस अपने आप ही प्लस हो गया ना बेटा? नहीं सर, वो जो अभी इक्वेशन आपने लिखवाई थी ना कि वी ए बी इक्वल्स टू माइनस वी बी ए, अगर वी ए बी माइनस का है तो वी बी ए प्लस का हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल। अगर अगर ये माइनस का आएगा वी ए बी और वी बी ए में हमेशा माइनस का फर्क होगा। अगर वी ए बी प्लस का आ रहा है तो ये माइनस का आएगा, ये माइनस का आ रहा है तो ये प्लस का आएगा। ओके अब देखिए सब लोग, अब कॉमन सेंस यूज करनी है अपनी। आप एक बस में बैठे, चलो आपने बस के ऊपर कोई बैठा है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि बस के ऊपर एक मंकी बैठा हो, मंकी, लेट मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द बस और बस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसको आपने अच्छे से समझना है, जहां डाउट होगा वहीं पूछ। हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये एक स्टेटमेंट है, वेलोसिटी ऑफ बस with respect to ground is 10 meter per second। monkey भी चल रहा है इसके ऊपर। let हमें कहा गया velocity of monkey with respect to bus, ये ध्यान रखना है with respect to क्या है, ये important। velocity of monkey with respect to bus is 2 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? एरो दिखा दिया मैंने, राइट साइड। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? सब बच्चे नोट कर लो स्टेटमेंट, एक बार स्टेटमेंट नोट कर लो सब। ओके, नोट कर लिया सबने? yes, कैसे अटेम्प्ट करना है ये समझना जरूरी है। पहली स्टेटमेंट क्या दी हुई है? वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे लिखना है आप, velocity of bus with respect to ground। और हमें क्या पता है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? velocity of bus minus velocity of ground, यही बनेगा ना? yes or no? yes sir। ये राइट साइड में है तो प्लस 10, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन। राइट साइड में है तो प्लस, अगर लेफ्ट साइड में होता तो नेगेटिव, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है, ऐसा हम लेट करके चल रहे हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बस, मैं यहां क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, वो अपने पास कितनी वैल्यू है, वो भी राइट साइड में एरो है, 2। किसी को इक्वेशन 2 में कुछ पूछना? नो सर। निकालना क्या है मुझे?
वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना, मींस मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ये निकाल मेरे को ये कैलकुलेट कर। सर 12 आएगा क्या? बिल्कुल सही है, 12 आएगा, क्योंकि यहां पर देखो मुझे मंकी और ग्राउंड चाहिए, बस नहीं चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो बस कट जाएगी ना। यस सर। यहाँ देखो यहाँ पर बस है, यहाँ माइनस में बस है, तो मैं क्या करने वाला हूं, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, जैसे मैंने ऐड किया मेरा ये वी भी कट गया, सिंपल मैथ्स, तो बचा क्या, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, यही मुझे निकालना था, तो जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 12 meter per second is my correct answer. 12 meter per second is my correct answer. किसी को कहीं से पूछना होगा? No, sir. मैं ही रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने लिखना कैसे है, आपने लिखना है velocity of bus with respect to ground, velocity of bus minus velocity of ground, इसको plus या minus वो arrow बताएगी, बस right side में जा रही थी तो मैंने इसको plus 10 ले लिया, फिर मुझे दिया गया velocity of monkey with respect to bus, monkey minus bus, वो value कितनी दी बेटा 2, वो भी plus का, निकालना क्या था velocity of monkey with respect to ground, मतलब मंकी और ग्राउंड का डिफरेंस वेलोसिटी में, तो साफ पता चल रहा है अगर मैं इनको ऐड कर दूं ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या मंकी माइनस ग्राउंड, क्योंकि मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। गेटिंग इट सब लोग? यस सर। एक क्वेश्चन करते हैं। यस सर। कोई बात नहीं, तीन चार एग्जांपल लूंगा तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक स्टेटमेंट और देखो सर, डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ बस और ग्राउंड को ऐड कर सकते थे बेटा, अटेम्प्ट कैसे करोगे एग्जाम में, कर तो सकते थे, हर बार ऐड नहीं करेंगे ना, हर बार डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी, आप कंसेप्ट को समझो, बाद में अपने आप देख लेंगे क्या करना है। मान लो बस अब इधर जा रही है, पहले भी इधर ही जा रही थी, इस बार मंकी इधर आ रहा, मंकी इधर आ रहा है 2 meter per second, बाकी क्वेश्चन से तो फर्क क्या हुआ, देखो हमें दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अभी आपने डायरेक्ट नहीं निकालना, सब पहले कंसेप्ट को लगाओ, धीरे धीरे हम डायरेक्ट करना शुरू कर दे, ये वाली वैल्यू प्लस में दी हुई है ना राइट साइड में, अब मंकी की सिचुएशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रेस्पेक्ट टू बस, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, प्लस 2 या माइनस 2 बताओ, सर निकालना क्या, सेकंड आएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप इनको ऐड कर दो, आपके पास वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा बेटा 8 meter per second, कितना आ जाएगा 8 meter per second। ये सारे क्वेश्चन क्या है, बॉडी ऑन बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर है, बॉडी ऑन बॉडी, तो आप अपने कंसेप्ट को सीखो कि जो गिवन है उसको कैसे लिखना है, प्लस कब लगाना है, जो माइनस कब लगाना है, निकालना क्या है, या तो ऐड करना पड़ेगा या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। करेंगे क्या एक सम? यस सर। ओके ओके ओके। एक आदमी पानी में स्विमिंग कर,
ये बंदा पानी के ऊपर स्विमिंग कर रहा है और पानी का फ्लो इधर है, पानी का फ्लो है 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या कुछ गिवन है देखो, अ मैन इज स्विमिंग एंड इट्स वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज 30 मीटर पर सेकेंड अलोंग राइट साइड, 30 मीटर पर सेकेंड अलोंग राइट साइड, वाटर इज फ्लोइंग विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट साइड। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? 20 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए सबसे पहले क्या गिवन है आपको, गिवन है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू वाटर। क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ द मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ द वाटर, राइट साइड में है तो प्लस 30। फिर आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड वो लेफ्ट साइड में है तो कितना गिवन है, माइनस 10। निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब वाटर नीचे, अब वाटर नीचे तो इनको आपने ऐड करना है, ऐड करोगे तो वाटर कट जाएगा, बचेगा क्या, वेलोसिटी ऑफ द मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड, आंसर इज 20 मीटर पर सेकंड। किसका ठीक है? सर पिंकी, सर विकास, सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वाणी समझ में आ रहा बेटा? यस सर। आपको परिणीता? यस सर। ओके, थोड़ा सा मुश्किल कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से करना इस बार, थोड़ा सा मुश्किल करता हूँ, चलो पहले ज्यादा नहीं करता मुश्किल। वही पानी है, वही पानी है, उसके अंदर एक बोट है, बोट, ये बोट है, इस बोट में एक मंकी भी है, इस बोट में एक मंकी है, बोट चलाने वाले बंदे भी हैं और पानी भी है। अब यहां तीन चीजें आ रही, बोट, मंकी, चौथा ग्राउंड तो है ही, ग्राउंड तो रेस्ट पे होता है, चौथा ग्राउंड तो है ही। अब गिवन क्या कुछ है देखो, आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वाटर 20 मीटर पर सेकंड, ये आपको गिवन है। आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू बोट प्लस 5 मीटर पर सेकेंड,
आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 3 मीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू वाटर, नंबर टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दो चीजें आपको निकालनी है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब और आपको टाइम मिलेंगे मैक्सिमम 3 मिनट्स। आराम से लॉजिक लगाना और इसको सॉल्व कर, कोई जल्दी नहीं है अपने को, जल्दी में गलत करने से अच्छा होता है थोड़ा देर में ठीक कर दो। करो सब, सर वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू वाटर 25 मीटर पर सेकंड। यस सर, यस सर, 25 मीटर पर सेकंड है। यस सर, सेकंड वाले का 2 आ रहा है आंसर। ये कुछ आंसर किसी बच्चे ने बताया, नव्या का आंसर है शायद, बाकी बच्चे करें, जैस्मिन भी 25 कह रही है, सब बच्चे करें, प्रॉपर इक्वेशन लगाएं। पता नहीं ये सही है या गलत, बट आप अपना सॉल्व करो, सबका हो जाएगा तब डन बोलो। सर हो गया, सर डन डन सर डन यस सर डन यस यस सर। ओके बेटा, सर सेकंड मैच करो, 22 आया है। चलो मैं सॉल्व करता हूं, अपना अपना मैच करो। सबसे पहले क्या गिवन है, मुझे निकालना है मंकी का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मुझे गिवन है बोट का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज वी बोट माइनस P वाटर। पहले तो जो जो गिवन है मैं वो नोट कर, फिर मुझे गिवन है मंकी का विद रेस्पेक्ट टू बोट, तो V मंकी माइनस P बोट प्लस 5। क्या यहां से मंकी का विद रेस्पेक्ट टू वाटर निकल सकता है अगर बोट को कैंसिल कर दें? यस सर। नहीं, पर जैसे ही मैंने ऐड किया बोट कट गई, बचा क्या, मंकी माइनस वी वाटर, आंसर इज 25। तो मेरा फर्स्ट आंसर मंकी का विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज 25। जैसे आप छोटी क्लास में लीनियर इक्वेशन करते थे ना, उसी तरह से सॉल्व करते। अब मैंने पूछा मंकी का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मंकी का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए मुझे वाटर का विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, वो कितना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड 3। अब मुझे चाहिए मंकी का ग्राउंड, तो ग्राउंड रखना है वाटर काटना है, तो मंकी का विद रेस्पेक्ट टू वाटर, मंकी विद रेस्पेक्ट टू वाटर आपके पास ये निकाला आपने 25, आपने जो निकाला उसका यूज करेंगे। मंकी विद रेस्पेक्ट टू वाटर, वी मंकी वी वाटर, ये आपने निकाला 25। यस दिशा, आपका आंसर सही लग रहा है मुझे, 2 नहीं आएगा। जैसे मैं इसको ऐड करूंगा मेरे पास क्या बनेगा, वी मंकी माइनस वी ग्राउंड, आंसर शुड बी 22 मीटर पर सेकेंड। मंकी का ग्राउंड के साथ 22 आएगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? यस सर, यस सर, यस सर, सभी बच्चे समझ गए।
ओके अगली स्टेटमेंट देखो, अगली स्टेटमेंट थोड़ी सी और अच्छी होगी, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेटा फिजिक्स में उतना पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये दो बस हैं, बना लो बस ए और बी, ये बस इधर जा रही है 40 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा मैं आपको दे रहा हूं। ये बस इधर आ रही है, वेलोसिटी ऑफ द बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज -20 मीटर पर सेकंड। इसके ऊपर भी एक मंकी है M1, इसके ऊपर भी एक मंकी है M2। वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू बस ए इज +5 मीटर पर सेकेंड। मंकी वन ले लो, वेलोसिटी ऑफ द मंकी टू विद रिस्पेक्ट टू बस बी इज +3 मीटर पर सेकेंड। अब आप मुझे इतना बता दो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी वन विद रिस्पेक्ट टू मंकी टू। स्टार्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी वन विद रिस्पेक्ट टू मंकी वन का मंकी टू से क्या वेलोसिटी होगी? सर 62 मीटर पर सेकंड। मैं आंसर लिख लेता हूँ बेटा, कंफर्म बाद में करो। 62, एक बच्चे का है 62। बाकी बच्चे बोले अपना आंसर। सर 62 मीटर पर सेकंड। सर 62 मीटर पर सेकंड। कितना? 62 मीटर। ओके ऑलमोस्ट बच्चे 62 बोल रहे। देखो इधर अब चेक करते हैं, अब थोड़ा सा ना और आसान करता हूं मैं आपको ये प्रॉब्लम करनी। जैसे पहली स्टेटमेंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप क्या लिखते हैं इसको? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, आपका आंसर कितना आता है? 40 दिया हुआ है ना। अब देखो बच्चों, ग्राउंड की वेलोसिटी तो जीरो ही होती है ना, तो फिर कहीं ना कहीं आपको और आसान कर रहा हूं मैं इसको करना, कहीं ना कहीं आपके पास वेलोसिटी ऑफ ए आ गई। ग्राउंड की तो जीरो होती है, ग्राउंड तो नहीं मूव करता, ग्राउंड की हम जीरो मान के चलते हैं, हम अर्थ को रेस्ट पे मान के सारा काम कर रहे हैं। हालांकि अर्थ भी मूव कर रही है बट एक्सपेरिमेंट हम अर्थ पे कर रहे हैं, तो ऐसा करके आपका और इजी हो जाएगा। ग्राउंड वाली वेलोसिटी को आप जीरो पुट कर दो। जैसे वेलोसिटी ऑफ पी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, तो ग्राउंड को अगर मैं जीरो करता हूं तो मेरे पास क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ पी -20। अब वेलोसिटी ऑफ मंकी वन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए, ए बस है वो आपको दिया हुआ है 5। तो यहां से आप सीधा सीधा मंकी वन की वेलोसिटी निकाल लो। ए की वेलोसिटी कितनी है? 40। उधर जाके कितना हो जाएगा? 45। सिमिलरली आप मंकी टू की वेलोसिटी निकाल लो,
यहां पर मैंने दिया था मंकी टू का बी के साथ कितना था प्लस थ्री और बी अपने पास कितने है माइनस का 20, तो मंकी टू की वेलोसिटी 3, ये माइनस का 20 और ये प्लस 20, उधर जाके माइनस 20 होगा, माइनस 17 कितना बन गया माइनस 17। अब मुझे चाहिए मंकी 1 की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मंकी 2, तो मंकी 1 कितना आ गया 40, उसमें से माइनस 17 करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है बेटा 62 मीटर पर। तो बहुत सारी इक्वेशन बनाने से अच्छा है ग्राउंड की जीरो लेके ना, जैसे मैंने यहां देखो ग्राउंड की जीरो लेके ए की वेलोसिटी निकाल, सिमिलरली मैंने बी की निकाल ली, फिर जब मेरे को मंकी ए विद रिस्पेक्ट टू ए था, ए मुझे पता था तो मेरे को मंकी की वेलोसिटी मिल गई, फिर मंकी टू विद रिस्पेक्ट टू बी 3 था, बी मैंने यहां निकाल लिया तो मुझे मंकी 2 की वेलोसिटी मिल गई। अब दोनों का डिफरेंस लेना है तो सीधा सीधा आंसर आ गया 62 मीटर पर सेकंड। कितने बच्चों का ठीक है, नाम बोलना एक बार। अभिराज, चिराग, दिवांशी, अभिराज, काफी बच्चों का सही है, किसी का गलत था उसको समझ में आ गया बेटा, जिसका गलत था उसको समझ में आया या नहीं? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है अभी इस कंसेप्ट में? अगर थोड़ा सा डाउट होगा तो आप रिकॉर्डिंग को दोबारा देखना, रिकॉर्डिंग मैं इसीलिए भेज रहा हूं कि आप लेक्चर को रिपीट कर पाए एक बार दो बार तीन बार, लेकिन बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी जहां से आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, अभी तो मैं सीधा सीधा भेज रहा हूँ मेरा लिंक, उसको आप देख पा रहे हो, किसी से शेयर भी कर सकते हो, बट अपने तक ही रखो बेटर है, बट जब ऐप में आएगा तो सिर्फ आप देख पाओगे, उसको आप शेयर नहीं कर पाओगे, इसलिए एप्लीकेशन में आपको आनी शुरू हो जाएंगी, वीडियोस भी, असाइनमेंट भी। एप्लीकेशन iOS में है क्या पॉसिबल डाउनलोड होना? क्या कह रहे बेटा? सर एप्लीकेशन जो आप बता रहे हो वो iOS में है? आईफोन के लिए ना मैं आपको अलग से बताऊंगा कैसे उसको डील करना है, आईफोन में नहीं, एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन है, जिनके पास आईफोन है उनके लिए मैं अलग से बताऊंगा कैसे उसको रजिस्टर करना है आईफोन वाला। आईफोन की मैं आपको बताऊंगा चेक करके कैसे चेक करना है उसको। एनीवेज ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया। तो जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे कल, उस वाटर में स्विमिंग के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आज वीडियो बना के भेज भी दिया आपको, लेकिन अब देखो वो कितना आसान होगा। आपको ये कह रहे कि एक बंदा, मैं चेंज करके क्वेश्चन लेता हूं, एक बंदा पानी में स्विमिंग कर रहा है पानी के अगेंस्ट, और जब वो पानी की डायरेक्शन में स्विमिंग करेगा तो उसकी अलग वेलोसिटी दी हुई है। हमें क्या गिवन है? वेलोसिटी ऑफ मैन व्हेन इट इज मूविंग अगेंस्ट द फ्लो, तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपको दे दी 10 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर आप चेक करो कि जो मैन जा रहा है वो वाटर के अगेंस्ट जा रहा है, तो वाटर की वेलोसिटी और मैन की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो अपने पास यहां से चेक हो जाएगा, और जब वो विद द डायरेक्शन जा रहा है उसकी वेलोसिटी हमें दे दी 30 मीटर पर सेकंड। तो हम कॉमन सेंस लगाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ द मैन में से वेलोसिटी ऑफ द रिवर माइनस करते हैं तभी वो 10 आ रहा है ना, क्योंकि पानी उसको रोकेगा। तो वेलोसिटी ऑफ द मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, वो आपके पास कितना है 10।
उसके बाद इस तरफ 30 है, लेफ्ट साइड में 30 है, तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज माइनस 30, जो कि लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है ना ये, इट इज माइनस 30। तो अब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ द मैन, नहीं यहां कुछ गड़बड़ हो गया ना, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ द मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, हाँ डायरेक्शन उसकी जरूर लेफ्ट साइड में है, तो आप उन न्यूमेरिकल को भी अब इस कंसेप्ट से कर सकते हो, या आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो। कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, इतनी इक्वेशन लिखने की बजाय हमें पता है कि मैन इधर जा रहा है और पानी इधर है, तो पानी इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो मैन की स्पीड, अब मैं स्पीड में बात कर रहा हूं, रिवर को माइनस कर देंगे तो स्पीड कितनी होगी टर्न, लेट पानी भी इधर होता और मैन भी इधर जा रहा होता, तो पानी मैन को हेल्प कर रहा है, अब उनकी स्पीड कितनी होगी 30। आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिवर, इनको आप ऐड करो तो 2vm कितना हो गया 40, vm कितना रह गया 20। इस 20 को अगर मैं पुट कर दूं किसी में, इसी में पुट कर देता हूं, तो vr मेरे पास कितना होगा 30 - 20 10। तो आप डायरेक्शन को अगर नहीं लेना चाहते, स्पीड स्पीड निकालना चाहते हो, तो आप माइनस प्लस को यूज कर लो रिलेटिव वेलोसिटी में, अगर डायरेक्शन भी लेनी है तो फिर डायरेक्शन भी आ जाएगी। वो सारा लॉजिक मैंने आज आपको रिलेटिव वेलोसिटी से क्लियर कर दिया। अब जैसे ये जेट प्लेन है, एक क्वेश्चन था जेट प्लेन वाला, जेट प्लेन की वेलोसिटी हमें दी हुई है लेट कुछ भी 1100 मीटर पर सेकंड, और पीछे से गैसेस निकल रही हैं, गैसेस, और गैसेस की वेलोसिटी दी हुई है लेट 500 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द जेट, विद रिस्पेक्ट टू द जेट। अब ये विद रिस्पेक्ट टू ध्यान रखना, गिवन क्या, वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 1100 मीटर पर सेकंड, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं नीचे की तरफ नेगेटिव। वेलोसिटी ऑफ द गैसेस, ये ग्राउंड के लिए मैं जी आर ले लेता हूं क्योंकि गैसेस के लिए भी जी लेना, वेलोसिटी ऑफ द गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट नीचे की तरफ है, आप क्या लिखोगे माइनस 500 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकाल। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अपना लॉजिक लगाओ, पहले हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ जेट माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड 1100, फिर मुझे गिवन है वेलोसिटी ऑफ गैसेस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट, नीचे की तरफ वाले को क्या लूंगा मैं माइनस का 500। अब मैं इनको ऐड कर दूं तो वेलोसिटी ऑफ द गैसेस माइनस वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड आपके पास कितना आ गया 600। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज प्लस 600 आया है। ग्राउंड से देखने पर ये गैसेस ऊपर ही जा रही हैं, प्लस का मतलब जेट से, अगर आप जेट पे बैठे हो तो गैसेस नीचे आ रही हैं, अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो क्योंकि जेट के साथ साथ गैसेस भी ऊपर ही जा रही निकल रही है पीछे, बट ओवरऑल आपके लिए आपसे दूर जा रही है, तभी आपका आंसर कितना है प्लस 600। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सब? ये मुझे बताना एक क्वेश्चन का आंसर, हर बार पूछता हूँ मैं, बच्चे गलत बताते हैं, आपने गलती नहीं करनी, आप वो वाले बच्चे नहीं है। आपको ये जेट है, आपको क्या दिया हुआ है, इधर गैसेस निकल रही है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट आपको दे दिया माइनस 500, ये 500 से निकल रही है ना, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड
आपको दे दिया प्लस 600, तो क्या आप बता सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द जेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ जेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, करो एक बार सब लोग, सर क्वेश्चन दिखाना सर एक बार, सर हो गया बता। सर प्लस 1100 मीटर पर सेकेंड, अभी देखता हूँ। यस सर यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। यस सर, सब लोग चेक करो। शायद सब लोगों का प्लस 1100 आ रहा हो। देखो क्या गिवन है क्या नहीं गिवन, इसका ध्यान रखो आप, नहीं तो माइनर सी मिस्टेक से ना मेन क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें गिवन था सर मेरा माइनस 100 आ रहा है। हाँ वो चेक करते हैं बेटा, मुझे गिवन है वेलोसिटी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट, मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ द गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ द जेट माइनस का 500, ऐसा गिवन है। सर प्लस 1100 आ रहा है सर, देख लेते हैं बेटा। वेलोसिटी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ द गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड प्लस 600, मुझे निकालना है जेट और ग्राउंड, जेट और ग्राउंड, तो गैस को खत्म करना है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, गैस को किया तो ये बना वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द जेट माइनस 1100, उल्टा बना ये, मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ द जेट माइनस वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्लस का 1100 आए, दिस इज प्लस 1100, इज इट क्लियर नाउ? थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा इंटेंसिटी है लेक्चर में, आप ना रिकॉर्डिंग को एक बार से वॉच कर लेना, जिसको दिक्कत है, जिसको दिक्कत नहीं है इनके फेयर नोट्स बना लेना, बना लिए होंगे साथ साथ, फेयर नोट करना जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत हेल्प करेंगी आपको कॉम्पिटिशन में भी और न्यूमेरिकल सेक्शन में। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द डे, कल का जो भी शेड्यूल होगा मैं आपको अपलोड कर दूंगा, कल कंपटीशन क्लास है उसका टाइमिंग भी वो सब कुछ, जो बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं वो फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें, फर्स्ट लेक्चर वेक्टर का मैंने आपको वीडियो सेंड किया हो आपके ग्रुप में है, उसको वॉच करके आप लोग सेकंड लेक्चर समझ पाएंगे, उसमें भी जो डाउट है वो मेरे से कल पूछ लें। ओके बेटा थैंक्स। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।